अभी हम राख कहाँ हुए हैं, अभी हम राख कहाँ हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के आर कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हैं, किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हैं, तो सुनिएगा बर्फ ने क्या जवाब दिया। बर्फ ने कहा, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं। तो साहब, यह जिंदगी है, नरमी तो बरतनी पड़ेगी। और ठंड रखा के अभी हम राख कहां हुए हैं। कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिएगा, तपना पड़ता है, सब कुछ राख होने से पहले तक जलना पड़ता है। अर्थात कुछ मजेदार बनने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, डूबना तक पड़ता है मेरे दोस्त, डूबना तक पड़ता है। मतलब ये हुआ कि गिरने के लिए भी चलना पड़ता है। और मैं बता दूं आपको, ये मेरा देश इंडिया है साहेब, यहां तो कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए, कुछ नया कर दिखाने से पहले भी बहुतों के नजर से गिरना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद खुद से लड़ना पड़ता है। इसलिए मन के गति पर भुवम बाम लगाना सीखिए। टू शॉर्ट, जिंदगी इतनी छोटी है कि मैं क्या शिकायत करूं। लाइफ इज टू बिजी, दूर से देखा तो कुछ है ही नहीं, साला जब नजदीक जाकर देखा तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जादू का बॉक्स आपके सामने आएगा और उसके खुलते ही सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुछ नया कर दिखाना है तो बहाव के विपरीत जाना होगा। इस बात को दिल और दिमाग में बिठा लीजिए, सफर दूर तक करना है, साहस एक कदम, धीरे धीरे बढ़ना है। आपको पता है, अक्सर जीता जागता सपना सरेआम नीलाम हो जाता है। इसे ठहराव ना देना कभी। जैसे ही ठहराव दोगे, जैसे ही आपने अपने ड्रीम को ठहराव दे दिया, समझिए कि सब कुछ खत्म है। ख्वाब को तैरने दीजिए, या तो मंजिल का किनारा मिल जाएगा या फिर पूरा संघर्ष ही दूसरों के लिए एक सीख बन जाएगा साहब। इसलिए इसे ठहराव ना दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, चलते रहिए, चलते रहिए। मौसम का क्या है साहब, मौसम तो आता जाता है सर। लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि परिस्थिति बदलने से शेर शाकाहारी हो जाता है? नहीं ना बदला है, शेर कभी शाकाहारी नहीं ना हुआ है। तो साहब, भागदौड़ का नाम ही तो जिंदगी है। चींटी के पास भी एक लक्ष्य होता है। और समस्या हमें यह सिखाता है कि मजबूत परिस्थिति में जब यही परिस्थिति हो तो कैसे निपटोगे। आप सोचिए ना, आप अगर बिल गेट्स जैसे कोई बड़े इंसान बिना संघर्ष किए बन जाओगे, अरे रानू मंडल आपके सामने उदाहरण है साहब। तपना तो पड़ता है, आप जरा सोचिए, स्क्रॉलिंग के अलावा हमारे आसपास में चल क्या रहा है। मतलब हम में से अधिकांश युवा एवं ही अपना समय जाया कर रहे हैं, जबकि इस बातों को दुनिया दशकों पहले साबित कर दिया है कि टाइम इज मनी, और समय भी तो कम है ना साहब, हमारे जिंदगी का एक हिस्सा निकल चुका है। मतलब एक निश्चित समय के बाद ना टाइम होगा ना मनी होगा, अगर हमने टाइम को सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो। इसलिए चीजों को उसी रूप में देखना जरूरी है। तैयारी अलग अलग लेवल पर की जानी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। नई तारीख तय होनी चाहिए। आपके ऊपर हंसने वालों का जो कतार लगा हुआ है, उनके बीच से तालियों की गूंज होनी चाहिए। एक दिन का अखबार मत बनना मेरे दोस्त, एक दिन का अखबार मत बनना। ये जो दुनिया है ना, ये भूलती बहुत है, इनकी भूलने की आदत है। इनके दिल के पुस्तकालय का इतिहासकार बन जाना, यही चीज है।
आखिरी बच ना सका आग लगाने वाला, आखिरी बच ना सका आग लगाने वाला, जल गया खुद भी नशे मन को जलाने वाला। तो चलते रहिए, बाधा टालते रहिए, डगमगाएगा भला साथ निभाने वाला, डगमगाएगा भला साथ निभाने वाला। बड़ा अच्छा पंक्ति है ये, उस्मान साहब का है। उन्होंने लिखा है कि डगमगाएगा भला साथ निभाने वाला, मंजिले दार तक आ जाएगा आने वाला। तो साहब खुद से कहते रहिए, अभी राख कहाँ हुए हैं। सफर का अंत नहीं होता है, जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी को खुशहाल जिए। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, मतलब ये नहीं बनता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं या कितने फेल्योर हैं, मतलब ये बनता है कि आपने जिंदगी का असली मतलब समझा या नहीं समझा। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।